हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आपका पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप रोजाना क्लास 12th एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया हमारी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये एनसीईआरटी बोर्ड में अवश्य आती है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली है फिडिल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया और दूसरी है फिडिल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। दोस्तों, पहले हम फिडिल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया बनाना सीखेंगे। दोस्तों, हमारी पहली अभिक्रिया फिडिल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिडिल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों, फिडिल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से करने को फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, हमें फिडिल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया में क्या करना होगा? हमें बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से करनी होगी, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हम क्या करते हैं, पहले बेंजीन की संरचना बना लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने बेंजीन की संरचना बना ली है, मैं इसके नीचे यहां नाम लिख देता हूं बेंजीन। तथा हमें इसकी क्रिया किससे करनी होगी? मैथिल क्लोराइड से करनी होगी। तो मैथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3 बॉन्ड Cl। तो मैं इसका भी यहां नाम लिख देता हूं मैथिल क्लोराइड। और किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो मैं तीर के निशान पर लिख देता हूं निर्जल AlCl3। तो हमें बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करनी होगी। दोस्तों, आप बेंजीन और मैथिल क्लोराइड की क्रिया कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बेंजीन के हर एक बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड पर से एक हाइड्रोजन दिखा देंगे और इस बॉन्ड पर से हम इस हाइड्रोजन को निकाल लेंगे और CH3 बॉन्ड Cl में से हम Cl को निकाल लेंगे और H की क्रिया और Cl की क्रिया कर देंगे। जब हम H के और Cl की क्रिया करेंगे तो हमारे ये बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास एक बेंजीन बचा जिस पे एक बॉन्ड खाली है, तो हम बेंजीन बना लेंगे। दोस्तों, मैंने बेंजीन बना लिया जिस पे एक बॉन्ड खाली है। तो और क्या बचा हमारे पास? और बचा हमारे पास CH3 बॉन्ड। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस CH3 बॉन्ड को हम इस बेंजीन के साथ जोड़ देंगे। तो दोस्तों, मैंने क्या करा है, बेंजीन के इस बॉन्ड पर CH3 जोड़ दिया है। दोस्तों, मैं इसके यहाँ नीचे सूत्र लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं यहाँ इसके यहाँ नीचे सूत्र लिख के दिखा देता हूँ। अब ये दोस्तों, ये हमारा सूत्र बनेगा C6H5 बॉन्ड CH3। क्या बनेगा? C6H5 बॉन्ड CH3। अब C6H5 बॉन्ड CH3 का जो रासायनिक नाम है वह है टॉलविन। क्या है? टॉलविन। तो मैं इसका यहाँ रासायनिक नाम लिख देता हूँ टॉलविन। दोस्तों, फिडिल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया में यही होता है, हमें बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से करनी होती है, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब दोस्तों, आते हैं फिडिल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया पर। दोस्तों, हमारी दूसरी अभिक्रिया है फिडिल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिडिल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो फिडिल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करने को फिडिल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें फिडिल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया में क्या करना है कि हमें बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करनी है, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो मैं पहले बेंजीन की संरचना बना लेता हूँ। मैंने दोस्तों बेंजीन की संरचना बना ली और मैं इसके यहाँ नाम लिख रहा हूँ बेंजीन। और इसकी क्रिया हमें किससे करनी है? एसिटिल
क्लोराइड से। तो एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह है CH3 bond CO Cl। तो मैं इसका यहाँ नीचे रासायनिक नाम लिख देता हूँ एसिटिल क्लोराइड। दोस्तों किसकी उपस्थिति में करनी है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तीर पे निर्जल AlCl3। दोस्तों अब आपको बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कैसे करनी होगी? तो आपको क्या करना है, बेंजीन के इस वाले बॉन्ड से एक हाइड्रोजन निकालना है और CH3 bond COCl से आपको Cl निकालना है और एच की और Cl की क्रिया कर देनी है। जब आप एच की और Cl की क्रिया करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl। और अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास एक बेंजीन बचा है जिसका एक बॉन्ड खाली है, तो मैं बेंजीन बना लेता हूँ। इस पर क्या कर लेता हूँ, एक बॉन्ड खाली दिखा देता हूँ। और हमारे पास क्या बचा? और हमारे पास बचा CH3 bond CO। तो दोस्तों हमारा CH3 bond CO बचा तो हमारा इधर का बॉन्ड भी खाली है, तो हम क्या करेंगे CH3 bond CO को बेंजीन के साथ जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा COCH3। दोस्तों ये तो है संरचना, अब मैं आपको इसका सूत्र दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो इस संरचना का जो सूत्र है वह है C6H5 bond COCH3। तो C6H5 bond COCH3 का जो रासायनिक नाम है वह है एसिटोफियोन। क्या है? एसिटोफियोन। तो दोस्तों फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में यही दो अभिक्रिया हैं जो मैंने आपको बता दी। दोस्तों ये फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये इस साल NCERT बोर्ड में अवश्य आएगी। दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, तथा कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।